आपको भी ये सब्जी देखने में बहुत टेम्पटिंग लग रही है, मतलब कि इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है कि आपका बनाने का मन कर रहा है। और अगर मौसम थोड़ा सा सुहावना सा हो, मतलब ऐसा बारिश वाला मौसम हो और ऐसी सब्जी मिल जाए ना, मतलब जो दाल चावल के साथ भी बेस्ट कॉम्बिनेशन में होती है और जनरली भी मतलब रोटी वगैरह के साथ भी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, तो फिर कहने ही क्या। तो बस ऐसी बहुत ही टेस्टी सी सब्जी बनाने के लिए हमने पहले आलू लेना है और आलू को अच्छे से छील लेना है। और छीलने के बाद ना उसे क्या करना है, हमें थोड़ी देर के लिए पानी में रख देना। अगर आप चाहें तो नमक वाला पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे नमक वाले पानी का इस्तेमाल नहीं किया था, सिंपल पानी में ही मैंने इसे भिगा के रख दिया था। और भिगाने के बाद ना फिर इसे कट कर लेना। आप इसे कट करना चाहें उस शेप में आप कट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली आलू की भुजिया की सब्जी ना थोड़े लंबे शेप में ही अच्छी लगती है, तो कोशिश करिएगा कि आलू भी थोड़ा सा लंबे साइज का ही लीजिएगा। बाकी अगर गोल वाले आलू भी हैं तो आप पहले उसके साइड्स कट कर सकते हैं, साइड्स कट करने के बाद उसे ऐसा फ्रेंच फ्राइज का लुक दे सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने सारे आलू पहले छील लिए और छील लेने के बाद मैंने इसे यहाँ पर पानी में डाल दिया। और अगर थोड़े बहुत छिलके रह गए तो उसे भी हटा लेना और सिंपली जैसे हम भुजिया के आलू कट करते ना बस हमें वैसे ही कट कर लेना। और अगर आप इसे थोड़ा सा फ्रेंच फ्राइज वाला लुक देना चाहते हैं ना तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है ना, आपको पहले इसके जो साइड में होता है ना वो वाले लेयर को हटाना है और उसके बाद फिर ऐसे बीच सेक्शन से इसे कट करेंगे ना तो थोड़ा वैसा वाला लुक आएगा। लेकिन ये सब्जी के लिए हमें कोई बहुत तिकड़म करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस आलू को इसे लंबे लंबे शेप में पतले टुकड़ों में कट कर लेना है। मतलब ऐसा कट करना है कि ये पकने में आसानी हो, बहुत मोटे शेप में मत रखिएगा। अगर एक दो आलू मोटे हो जाते हैं तो उसे आप बाद में पतला भी कर लीजिएगा और इसे एक दो पानी अच्छे से धुल दीजिएगा जब तक कि पानी साफ़ नहीं हो जाए, मतलब इसका सारा स्टार्च हट नहीं जाए। फिर रखना है कढ़ाई, उसमें डाला है थोड़ा सा तेल, मतलब थोड़ा ज़्यादा सा ही लगेगा क्योंकि इसमें कोई पानी नहीं पड़ता ना, तो फिर ये सब्जी हमारी ऑयल में ही पकती है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा राई डाला है, थोड़ा सा जीरा डाला है और थोड़ा सा अदरक डाला है छोटे टुकड़ों में कट करके। इसमें ना हमें लहसुन प्याज की ज़रूरत है ना ही किसी मसाले की ज़रूरत है। तो बस इन सब चीज़ों के बाद हमें इसमें जो कटे हुए आलू है ना वो डाल देने हैं, सिंपली और कुछ भी नहीं करना है, बस कटे हुए आलूओं को डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना। और मिक्स करने के बाद ना इसमें थोड़ी सी हल्दी डालनी है और हल्दी के साथ हमने यहाँ पे अभी तक मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है तो इसके बाद हमें मिर्च डालना है। और मिर्च के साथ हमने थोड़े से डंठल, धनिया के डंठल होते हैं ना वो कट करके रख लिए थे, वो डाल दिए हैं इसमें। और हाँ, जब भी आप धनिया के डंठल सब्जी में इस्तेमाल करेंगे ना तो आपकी सब्जी में थोड़ा सा मतलब फ्लेवर आ जाएगा मसाले वाला, तो इसलिए मैं धनिया का डंठल का इस्तेमाल हमेशा करती हूँ। और मिर्च भी अगर आप पहले डाल दें तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बाद में डालेंगे तो वो मिर्च आपकी बहुत जलेगी नहीं, तो आपको थोड़ा सा उसका टेस्ट थोड़ी सी ग्रीनरी के साथ उसका थोड़ा सा तीखापन भी मिलेगा। तो इस तरीके से मैंने धनिया डालने के बाद और मिर्च डालना, फिर हल्दी डाला, उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। 4-5 मिनट तक मैंने इसे इनिशियल स्टेज में ढक के पका लिया था, मतलब स्टार्टिंग में आप इसे ढक के पका सकते हैं, लेकिन जब ये सब्जी आपकी कुक हो जाएगी ना तो इसमें सोंधापन लाने के लिए इसको आपको खोल के ही पकाना पड़ेगा। अगर आप अपनी आलू को थोड़ा कुरकुरा बनाना चाहते हैं ना तो आपको ढक के पकाने की ज़रूरत नहीं होगी, वरना आलू थोड़ी सी सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो जाएगी तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने ये नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ा सा लेमन का जूस मतलब नींबू का रस डाल दिया है। और थोड़े बहुत अगर गलती से बीज बीज चले जाएँ तो वो हटा देना है आपने, मैंने चूँकि डायरेक्ट ही डाल दिया था, वरना आप छान के डालेंगे तो बेहतर होगा, लेकिन मैं थोड़ा फटाफट के चक्कर में मैंने जल्दी ही डाल दिया था। बस उसके बाद ना आपको क्या करना है ना, इसे जितनी भी देर के लिए पकाना है, मतलब 5-6 मिनट का टाइम लगेगा, ज़्यादा बहुत टाइम नहीं लेगा क्योंकि आलू बहुत ही पतले कटे हुए थे, तो वो हमें खोल के ही पकाना है, इसे ढकना बिल्कुल भी नहीं है। और थोड़ी ही देर में ना ये बहुत ही टेम्पटिंग सी सब्जी और बहुत ही टेस्टी, मतलब सच में ये टेस्टी के कहने ही क्या। जिसने ये सब्जी खाई ना मतलब उसने बहुत सारी तारीफ़ करी कि मतलब हाँ ये सच में यही वाली सब्जी तो चाहिए होती है मुझे। बस फिर हमारी सब्जी बनके बिल्कुल तैयार हो गई थी, तो फिर मैंने लास्ट में इसमें धनिया की पत्तियाँ डाल दी। धनिया की पत्तियाँ तो ज़रूरी है ना, मतलब एक सिंपल सा कुछ भी है ना तो धनिया की पत्तियाँ थोड़ा सा तो उसका टेस्ट एनहांस कर ही देती है और स्मेल तो अच्छी आती है। तो बस हमारी सब्जी बनके बहुत ही सिंपली तैयार हो गई है। अब क्या करना है, फटाफट इसकी प्लेटिंग करनी है और दाल और राइस बना लेना है। और अगर दाल राइस नहीं तो रोटी बना लीजिएगा, क्योंकि ये शायद एकादशी वाला दिन था तो ये मैंने रोटी से ही खाया था। प्रॉब्लम क्या हुई थी, मैंने सब्जी बना के रखी थी लेकिन वो शायद बैंगन की सब्जी थी, तो जस्ट मम्मा का कॉल,
आ गया था, अब मतलब मेरे को पता चल गया कि एकादशी है तो फिर मुझे ये बनाना, तो फटाफट में मुझे यही सूझा तो मैंने यही बना लिया था। ये फटाफट भी बन जाती है सब्जी और टेस्टी भी बहुत ही लगती है, तो एक बार ट्राई करना तो ज़रूर बनता है, ट्राई करिएगा और फिर मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा और ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे बताइए कि मैं नेक्स्ट आपके लिए क्या कुक कर सकती हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।